कर्नाटक की यादगीर में दलित समुदाय के लिए बुरी खबर तब सामने आई जब एक उच्च जाति वाले युवक पर केस दर्ज कर दिया गया। ये केस पॉक्सो एक्ट में हुआ। नतीजन अब दलित परिवार के लोग खाने तक को तरस रहे हैं। उन्हें राशन तक के लिए अब लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, लेकिन उन्हें वो भी नसीब नहीं हो रहा। आज़ाद भारत के इतिहास में दलित नेताओं ने कई बार दलितों के लिए लड़ाई लड़ने का नाटक रूपी चोला जरूर ओढ़ा, लेकिन हकीकत देखिए कि दलित नेता खुद उस भीड़ से अपने आप को काट कर निकल गए। आज भी दलित समुदाय आगे ज़रूर बढ़ा, लेकिन कर्नाटक जैसी घटनाओं से ये सवाल उठता है और ये पता ज़रूर चलता है कि आखिर आज भी वो कहीं ना कहीं उसी स्थिति में हैं। दरअसल पुलिस की माने तो एक दलित लड़की एक उच्च जाति वाले युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। युवक पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर वो उससे लगातार दुष्कर्म करता रहा। लड़की की उम्र 15 साल ही मात्र बताई जा रही है। लड़की के परिवार वालों ने शादी का दबाव बनाया, इसके बाद आगे नहीं बन पाई तो फिर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर क्या, मुकदमा दर्ज होने के बाद दलित समुदाय का ही बायकॉट कर दिया गया। बायकॉट के कारण उन्हें मंदिरों, इसके अलावा राशन के दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर जाने से मनाही कर दी गई, यानी उनके एंट्री पर ही रोक लगा दी गई। इसके कारण अब उन्हें तरीके तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस केस की छानबीन और तहकीकात में जुटी हुई है, पर यह घटना कहीं ना कहीं इस बात की गवाही ज़रूर देती है कि आज़ाद भारत होने के बावजूद आज 70 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी इस समाज को टारगेट जरूर किया जाता है, भले ही देश के किसी अन्य कोने में हो। यानी सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समाज को आज भी वही दंश झेलना पड़ रहा है जो पहले के समय से बताया जाता रहा है। सवाल है कि क्या आज भी लोगों की मानसिकता इस तरीके से बदल नहीं पाई, या फिर कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार जिस तरीके के दावे करती है वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या प्रशासन तक इस घटनाओं पर आंखें मूंद कर बैठा रहता है, कि क्या कोई किसी भी जाति या समुदाय या फिर किसी व्यक्ति को कहीं पर जाने से पाबंदी लगा सकता है सिवाय प्रशासन की। लेकिन ऐसी घटनाओं से ये ज़रूर पता चलता है कि कहीं ना कहीं आज की स्थिति भी वही है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी जातिगत भेदभावों को आखिर किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है जब तक उन्हें चुनाव में मात्र वोटर के लिए टारगेट न किया जाए। मेरा नाम था दिव्यांशु सिंह। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, इस खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। खबर को शेयर कर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।